गैर सियासी डेरा का यूट्यूब चैनल अपने वतन पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है और इसी वतन की मोहब्बत में एक कड़वा सच आज आपके सामने पेश करने वाला है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को बने आज 76 साल बीत गए हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने किसी मुल्क का कोई कर्ज नहीं देना था, बल्कि भारत से हमने अपने हिस्से के पैसे लेने थे, मगर अब 76 साल बीत जाने के बाद हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान और इसका बच्चा बच्चा आज कर्जों के बोझ तले इस कदर बुरी तरह दब चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। आए ज़रा सोचिए, हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं? क्या हमारी आने वाली नस्लें इस भारी भरकम कर्जे के बोझ को बर्दाश्त कर सकेंगी? शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो कैसे इस कर्जे को उतारेंगी? मुल्क पर यह बेपनाह कर्जा, बिगड़ती हुई मुल्की सियासी सूरत हाल और बेकाबू महंगाई, इन सब का जिम्मेदार कौन है? ये किन के सबब से है? आज एक वक्त की रोटी के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। आखिर कब हमारा मुल्क खुशहाल होगा? आखिर कब हम चैन से इस मुल्क के अंदर रह के रोटी खा सकेंगे? गरीब सुख का सांस ले पाएगा? इन सारी बातों का सबब क्या है? कौन है जो हमें मदारियों की तरह नचा रहे हैं? आए इस वीडियो के अंदर उन मदारियों के असल चेहरे को देखें। नजर खींचू और सवाल पूछूंगा, पहले झूठ के बाद सिलेंडर फोड़ दूंगा, इस कमरे में सारे के सारे मर जाएंगे। आप पुल के स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, पुल के डिजाइन में कोई गड़बड़ी थी? नहीं, डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फिर क्या नहीं था? सब स्टैंडर्ड मटेरियल, जल्दबाजी, पोअर कॉलम सपोर्ट, यहाँ तक कि व्हीकल ट्रैफिक की कैलकुलेशन भी नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपसे नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप ठेकेदार हैं ना पुल के, आपने बहुत पुल बांधे हैं, इस पुल में क्या गड़बड़ी हुई थी? गलती हो गई हमसे। गलती हुई? बहुत खिलाना पिलाना पड़ा, इसलिए हुई। इसको खिलाया? इसको खिलाया? मैंने खाया, हद से ज्यादा खाया, पार्टी फंड के लिए खाया, अपने लिए भी खाया, लेकिन आज तक कोई पुल गिरा नहीं। यू नो दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट। तो जिस पुल के नीचे मेरा बच्चा दब के मर गया, उस पुल के पैसे आपकी पार्टी ने खाए, आपने खाए, राइट? देखो, पार्टी पॉलिटिक्स में हर एक नोट का रंग नहीं देखा जाता है। जिस चीज के बारे में समझते नहीं। सर सेफ है। पैसों सेफ
तेरे बेटे के कान के दो इंच दूर से मैंने गोली चलाई, तेरी सिसकी निकल गई। मेरे बेटे को तुम लोगों ने हजारों टन सीमेंट कारा पत्थर के नीचे रौन डाला। मेरे बच्चे को मैं ठीक से विदा नहीं कर पाया। अस्पताल वाले ने उसको छोटी थैली के अंदर भर के दिया था। उसको समझ में नहीं आया कि मैं इसको दफनाऊं कि इसको जलाऊं। कोई पैतरेबाजी नहीं, सिर्फ जवाब। मैं तो इस कमरे के अंदर सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। देखो तुम शांति रखना, हम तुमको भरपूर पैसा देंगे। देखो क्या क्या तुमको क्या चाहिए बताओ। मैं सब सच, सिर्फ सच। नो मोर गेम्स, सच सच सच। डरावना है, दिल दहल जाएगा। सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। जो अखबारों में रीप खबरें सुनने में आती हैं, 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, ये अजीब सी इम्पॉसिबल रकम ये साल में एग्जिस्ट करती है। हमें से कईयों के पास है बात के लिए। चाहे कुर्सी पर बैठे हो कि नहीं बैठे हो, दूसरा बैठा हो, दुकानदारी चलती रहती। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो ऑपोजिशन ठेकेदार, करोड़ों अरबों का ठेका है, अकेले से नहीं होगा। हाँ तो फिर 120 करोड़ के बारे में सोचने का टाइम कहाँ होगा। 120 करोड़, मैथ गड़बड़ है तुम्हारा। बटे हुए हो तुम लोग धर्म जाति प्रांत, हम फिगर्स एनालाइज करते हैं। 120 करोड़ नहीं, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए। लकड़ी का बंडल नहीं, अलग अलग लकड़ियां जो टूट जाती हैं आसानी से, तभी तो हम तुम्हें। जूतियों के नीचे रौंदते हैं हम तुम्हें। तो ये कोई स्कैम स्कैम नहीं है, ये असल में आप लोगों का प्राइमरी धंधा है, राइट? लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए भी तो आप बहुत कुछ करते हो। हाँ, यूनिफॉर्म तक पहनते हैं। देखो, जींस पहने हुए हम में से किसी को देखा है कभी आज तक? और पार्लियामेंट जाते हैं, असेंबली जाते हैं, वहां जाके बहस करते हैं, धूप में गर्मी में भाषण देते हैं, और वोट भी तो मांगते हैं। जो अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, उन्हें साइड कर देते हैं। वो तो बस डेकोरेटिव पीस है हमारे लिए। पावर उन्हीं के हाथ में है जो कमा के दे सके। और वैसे गलती तो तुम्हारी है, हम सबने दिखाते हैं लेकिन तुम देखते हो सच्चाई दिखती ही नहीं है। सड़क कहां से बनेगी सबसे पहले पता हमें चलता है, तो आसपास की बेनामी जमीनें हम ही खरीदते हैं, हम ही सरकार को बेचते हैं और हम ही प्रॉफिट कमाते हैं। और डिटेल में जाऊं क्या? मैंने तो अपना पॉलिटिकल करियर अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया है, लेकिन लेकिन धंधा बंद नहीं होगा। प्राइमरी बिजनेस कहा ना तुमने, प्राइमरी बिजनेस। और ये डंडा, पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बस तुम लोगों को डराने के लिए। बस ठीक है। In the last, I apologize, Sign Con Movies YouTube channels, कि I use these movie spots only for the educational purpose. Thank you and God bless you.